तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में LMV और MCWG किस तरीके से एंडोर्स करा सकते हैं, किस तरीके से जोड़ सकते हैं। इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोटरसाइकिल और गाड़ी का ऐड कराना चाहते हो कैटेगरी, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इनको ऐड करा सकते हैं। LMV और MCWG यानी लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर कैटेगरी किस तरीके से एंडोर्स करा सकते हैं अपने लाइसेंस में। तो अगर आप भी LMV और MCWG कैटेगरी अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सकें। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जुड़ना चाहते हो इस चैनल से ऐसी ही जानकारी पाने के लिए तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद परिवहन की जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में डायरेक्ट LMV और MCWG ऐड नहीं करा सकते। उससे पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इसमें जो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना होता है उसका थोड़ा अलग तरीका है, तो उसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है इस चैनल पे। आप यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, इसको देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है। या फिर यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, ये जो सर्च बार है इस पे क्लिक करके ना, एड MCWG एंड LMV, ये आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे ये सर्च कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे वीडियो आपको दिख जाएगी। तो इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप LMV और MCWG ऐड कराने के लिए लर्निंग लाइसेंस किस तरीके से बनवा सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही लर्निंग लाइसेंस आपका बन जाए, तो जैसे ही उसको 1 मंथ हो जाए लर्निंग लाइसेंस को, बेसिकली क्या होता है, जो लर्निंग लाइसेंस होता है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, और जिस डेट में इशू हुआ है उसके 1 मंथ बाद यानी उसके 30 दिन बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में LMV और MCWG एंडोर्समेंट के लिए ऐड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमने लर्निंग लाइसेंस बनवाया था तो इसको 1 मंथ हो गए हैं। ठीक है, वीडियो तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले अपलोड की है, लेकिन अप्लाई हमने जो यानी जो हमारा बन गया था वो उसको 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गए बने हुए को, तो हम एंडोर्समेंट करा लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन DL पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये जो सेकंड पार्ट है फाइनल पार्ट है। तो इसके बाद जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें LMV और MCWG ऐड हो जाएगा। जब RTM डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा दोगे, सारा प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो सक्सेसफुली LMV और MCWG ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के गेट DL डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए, यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे फोटो दिख जाएगा, यहाँ पे साइन आपके दिख जाएंगे। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका ये MCWG ये सब दिख जाएगा।
कैटेगरी सीओवी, और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए। अगर सब ऊपर की डिटेल आपकी ही है तो सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो पिन कोड जैसे आप डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अभी इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट में आपको फोटो साइन दिख जाएगा और इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आप अपने यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, जो भी आपको ब्लड ग्रुप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एजुकेशन का भी आ सकता है, तो जो भी एजुकेशन वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयर कैटेगरी जो है इसको ऐसे ही हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एड्रेस भी आपका आ सकता है, तो आपको क्या करना है, जैसे लेफ्ट साइड में एड्रेस की डिटेल होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में भी एड्रेस की डिटेल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से परमानेंट की आप डाल लीजिएगा, और अगर दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट पे क्लिक कीजिएगा। ओके, और तो हमारे में उसका नहीं आ रहा है, हमारा सिंपली कन्फर्म के लिए आ रहा है, तो हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा, तो कंफर्मेशन के लिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे है एंडोर्समेंट, एडिशनल एंडोर्समेंट टू डीएल, इस बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमने इस पे क्लिक कर दिया है। अब प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी दिख जाएगी जो कि पहले से ही आपके लाइसेंस में है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लर्निंग लाइसेंस आपने बनवाया था ना, तो उसका नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, जो लर्निंग लाइसेंस नंबर वो यहाँ पे दिख जाएगा। क्लास ऑफ व्हीकल, किस किस क्लास ऑफ व्हीकल के लिए आपने बनवाया था वो दिख जाएगा, जैसे LMV हो गया और MCWG हो गया। उसके बाद इशू डेट दिख जाएगी, किस डेट में इशू हुआ है। और तो अब आपको क्या करना होगा, तो ये जो दोनों बॉक्स है इन पे क्लिक कर लीजिएगा और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपका डालने के लिए आ रहा है तो डाल सकते हो, जैसे हमारे में तो नहीं आ रहा है, सेलेक्ट पे क्लिक ही नहीं हो रहा है इन पे, और ना ही इनमें नंबर वो डालने के लिए आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इन बॉक्स को अब हमने क्लिक कर लिया है, कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पे क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसको भरने के तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ये जो यहाँ पे सर्च बार है ना, इस पे क्लिक करके आप डाल दीजिएगा फॉर्म 1। और जैसे ही फॉर्म 1 आप डालोगे तो सबसे ऊपर वीडियो आपको दिख जाएगी हमारे इस चैनल पे। तो इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये फॉर्म हमने अपने अकॉर्डिंग भर लिया है, इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है ये, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो डिक्लेरेशन को। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कैप्चर वर्ड लोड नहीं हुआ है, तो लोड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए ये जो ये है इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, रिफ्रेश आइकॉन जो है, या रीलोड आइकॉन बोल सकते हैं इसको। और ये जो कैप्चा वर्ड है ये हमने यहाँ पे डाल दिया है, और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आ रहा है, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पे आप लिख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा। यहाँ पे नाम दिख जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, यहाँ पे लाइसेंस नंबर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे वैलिडिटी दिख जाएगी। अब यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल दिख जाएगा, और यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्टेड एंड एडिशनल एंडोर्समेंट टू डीएल LMV MCWG। उसके बाद यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। करंट एड्रेस प्रूफ, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये आपको अपलोड करने होंगे। और यहाँ जो लर्निंग लाइसेंस है ना, वही आपको अपलोड करना है, जो भी जो अभी आपने
जो आपको इशू हुआ है LMV और MCWJ वाला, ठीक है, वो आपको अपलोड करना होगा। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको पुराना वाला, जिसमें जो पुराना वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो आपको अपलोड करना होगा, जो भी आपका लाइसेंस है अभी तक, जिसको भी आप यूज करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस दिख जाएगा और कौन से RTO में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है वो दिख जाएगी। अब यहाँ पे इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो या सेव करना चाहते हैं, तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसको सेव या प्रिंट निकाल सकते हो। और आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे नीचे की तरफ आओगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, तो क्या क्या आपको कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, फोटो साइन अपलोड करने, पेमेंट करनी है और RTO डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है, ठीक है। तो प्रोसीड के लिए हम क्लिक कर देते हैं, पहले हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा कि अब हमको जो है 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे। एज अ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे हमको आधार कार्ड विद DOB वाला करना है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशूड बाई, तो जो ये जो आधार कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, तो GOI हमने यहाँ पे डाल दिया है, इशू डेट यहाँ पे डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अगर आपने आपसे बाई मिस्टेक गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप दूसरा अपलोड कर लीजिएगा, यानी डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर लीजिएगा। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। ये एड्रेस प्रूफ अपलोड हो गया है, इसी तरीके से बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड आप कर लीजिएगा। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। तो फोटो साइन अपलोड करने, फोटो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, फोटो अपलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दीजिए और साइन इस पे क्लिक करके अपलोड आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो 20 KB या 20 KB से कम साइज के होने चाहिए। और उसके बाद आप अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी फोटो साइन आपने अपलोड किया है वो दिख जाएगा। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा इनको सेव करने के लिए, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आ जाइए इस पेज पे, इस तरीके से आ जाएगा इस पेज पे। हाँ एक बात हो, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिए। ये 4 या 5 पेज की फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इस पे क्लिक करके प्रिंट इसका निकाल दीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए और पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगा कितना आपको पे करना है। तो जो MCWG जो है मोटरसाइकिल भी दिख रहे, उसका ₹500 चार्ज है। और उसके बाद यहाँ पे और जो बाकी के चार्ज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, या आगे भी आपको दिखा दूंगा मैं इसका कितना चार्ज लग रहा है। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके आप SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। ये जो चार्ज है जो ₹1300 लग रहा है, तो ये जो ये है ये अलग अलग RTO में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारे अकॉर्डिंग जो RTO है
तो जो हमारा जो RTO है उसमें 1300 रुपये चार्ज लग रहा है, तो जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग RTO में आप चार्ज देख सकते हो, तो उसमें कम या ज़्यादा ये हो सकता है। पे नाउ पे आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद कंफर्म के लिए आ जाएगा तो कंफर्म पे क्लिक करें, उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आ जाएगा तो क्लिक इस पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा वो डाल दीजिए, किसके नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पेपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे OTP डाल दीजिए, जो मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP चला गया, OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, कट चुकी है पेमेंट। अगर आपके में एरर आ गया या एग्जिट हो गया या पेमेंट पेंडिंग में चली गई है, तो इस वीडियो के लास्ट में उसका भी प्रोसेस बता दूं किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो आप। इस तरीके से आ जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सब डिटेल आपकी दिख जाएगी, यहाँ पे एड आ सीओवी टू डीएल MCWG और LMV, तो इसका एड होने का 500 रुपये चार्ज लग रहा है। ड्राइविंग टेस्ट जो होगा RTO में, जो ड्राइविंग टेस्ट होगा व्हीकल चला के जो दिखाना है, उसका 600 रुपये चार्ज लग रहा है। तो 6, 5, 11 और 200, 200 जो लाइसेंस आपके एड्रेस पे प्रिंट होके आएगा बाई स्पीड पोस्ट, तो उसका 200 रुपये चार्ज लग रहा है। तो 6, 5, 11, 2, 13, तो 1300 रुपये चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का। और हाँ, अपॉइंटमेंट का और आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा, तो ये जो दोनों बॉक्स हैं इन पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से कैलेंडर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, इनमें जो भी ग्रीन डेट है इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जैसे हमको 17 सितंबर का करना है तो इस पे क्लिक कर लिया है, जैसे इस पे क्लिक किया है तो राइट साइड में इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम स्लॉट आ जाएगा, कितने बजे से कितने बजे के बीच आपको चाहिए, 10 से 12 बजे में 0 आ रहा है तो यहाँ इसमें तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते, 12:30 से 2, 12:30 से 2:30 बजे वाले में 6 अपॉइंटमेंट बचे हुए हैं, और वहीं 3 से 5 बजे वाले में 17 अपॉइंटमेंट बचे हुए हैं। अब जैसे हम 12:30 से 2:30 बजे वाला कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आप बुक स्लॉट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप बुक स्लॉट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक OTP चला जाएगा या सिक्योरिटी कोड चला जाएगा, सिक्योरिटी कोड डाल के कंफर्म उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, प्रोसीड जैसे ही करोगे, बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो या फिर इसको सेव करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो, वो आप निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ कि RTO ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, करंट या प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। ठीक है, थर्ड पेमेंट रिसिप्ट, फोर्थ आप अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या अक्नॉलेज या रेफरेंस स्लिप लेके जा सकते हैं, फिफ्थ अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, सिक्स्थ अपनी 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके साथ साथ अपना वो जो व्हीकल है वो भी लेके जाइएगा, अपना वाहन भी लेके जाइएगा आरटीओ को, कि वहाँ पे आपको जो वाहन है वो चला के दिखाना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट आपका होगा, जो ड्राइविंग टेस्ट है व्हीकल चला के वहाँ पे आपको दिखाना होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है। और लाइसेंस रिलेटेड यहाँ पे, हाँ पेमेंट वाला ना, डीएल पेमेंट यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे डीएल पेमेंट डालोगे ना, तो चाहे आपका लाइसेंस जो पेमेंट पेंडिंग में चला गया है या कुछ एरर आ गया है, तो उसको वेरीफाई आप कर सकते हो। वीडियो आपको दिख जाएगा, पेमेंट वेरीफाई, फीस रिसिप्ट का वो सब, तो इसके थ्रू ये जो वीडियो आ रही सबसे ऊपर, इसको देख के पेमेंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। और पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है। फॉर्म का भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकाल सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा। तो इसका तो मैंने आपको बता ही दिया एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से निकालना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर डाल के, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके वो निकाल सकते हो। और उसके बाद एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो। पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चर यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। फिर भी अगर कोई भी आपको इशू आता है, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है किस तरीके से आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। और अगर वेरीफाई करना चाहते हो पेमेंट, तो इसमें हमने बता रखा है। और स्टेटस आप देखना चाहते हो, आरटीओ में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए हैं और उसके बाद स्टेटस देखना चाहते हो क्या चल रहा है, तो यहाँ पे डीएल स्टेटस डाल दीजिएगा। तो स्टेटस रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे लाइसेंस डालिएगा। जैसे लाइसेंस डालोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहीं व्हीकल रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे व्हीकल आप डालोगे, तो चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल आरसी डाउनलोड करना चाहते हो, या व्हीकल पे चालान देखना चाहते हो, या व्हीकल रिलेटेड, जैसे अगर आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसकी फिटनेस परमिट, रोड टैक्स, उससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी का प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे, तो जो भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सबसे ज़्यादा वीडियो हमने लाइसेंस रिलेटेड अपलोड कर रखे, 281 वीडियो, अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हैं। वहीं व्हीकल रिलेटेड जो वीडियो अपलोड कर रखी है हमने, 209 वीडियो अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। और अबाउट पे क्लिक करके सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अबाउट पे क्लिक करके नीचे की तरफ इस पेज पे आओगे तो सोशल साइट के लिंक भी आपको दिख जाएंगे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक ग्रुप हो, वो सब हमने अपलोड वो लिंक ऐड कर रखे हैं। यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट के वेबसाइट पे जाना चाहते हो यहाँ इस पे क्लिक करके जा सकते हो। फेसबुक पेज पे जाना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके जा सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही इसको आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।